पुस्तक प्रेमियों के लिए महाकुंभ कहे जाने वाले पुस्तक मेला पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होने वाला है। आयोजकों का कहना है कि 3 साल के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेला में कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। खास करके इस बार मेले में बाहर से सेलिब्रिटी नहीं बुलवाए जाएंगे। बिहार में जो प्रतिभा है, बिहार के जो हीरो है, उन्हीं को उनकी योग्यता के अनुसार इस मेले में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि पुस्तक मेला में इस बार स्कूली छात्र छात्राओं को उनके स्कूल के ड्रेस और पहचान पत्र के साथ निशुल्क प्रवेश की सुविधा है। साथ ही सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज के छात्रों को भी इस मेले में सोमवार से शुक्रवार तक निशुल्क प्रवेश की अनुमति दी गई है। पटना में पुस्तक मेला का आगाज फिर से होने वाला है। विगत 3 वर्षों से कोविड के कारण यह आयोजन जो है रुक गया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। हम बात करेंगे, अमित झा जी हैं, यहाँ के संयोजक हैं। सर, किस तरह की इस बार तैयारियां हैं? काफ़ी दिन के बाद और काफ़ी वर्षों के बाद लोगों का इंतज़ार जो है अब ख़त्म होगा। ज़ोरदार तैयारियां हैं, मेरे लिए भी बिल्कुल ये नया अनुभव है। हर साल करते रहे हैं और ये 3 वर्षों का गैप जो हो गया है, तो मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत कुछ नया तरह का दिख रहा है। बट हाँ, हमारी तैयारियाँ पूरी हैं, लगातार प्रकाशकों से बातें चल रही हैं। प्रकाशन इंडस्ट्री के लिए जो है बहुत ही टफ टाइम रहा है, आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें प्रकाशकों से मिल रहा है और हम अपनी तरफ से तो इसे सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम हर जगह इसका व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार जो है वो कर रहे हैं। जो भी कार्यक्रम वगैरह, जो साहित्यिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे पुस्तक मेले में 4 चांद लगाते थे, उस पर भी हमारी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तरह तरह के कार्यक्रम, शब्द साक्षी, जन संवाद, लेखक से मिलिए, नुक्कड़ नाटकों का मंचन, फिल्म पे परिचर्चा, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम जो है हम लोग कर रहे हैं। एक जो प्रकाशक हैं इस बार, जो कोविड को लेकर बंद हो गई, काफ़ी इन प्रकाशकों को काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन काफ़ी वर्ष के बाद फिर से पुस्तक मेला लग रहे हैं। किन शर्तों पर उनको फिर से यह मौका मिला है? क्या उनके लिए कुछ ऐसी शर्तें जो फ़ायदेमंद साबित हो? देखिए, जो प्रकाशक जो बंद हुए हैं तो ये तो फैक्ट है, लेकिन मान लीजिए जो पटना पुस्तक मेले में जो वो आ रहे हैं प्रकाशकों के साथ, एक जो सबसे बड़ी मजबूरी है कि उनको अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, आप देखेंगे कि प्रकाशक किसी एडवर्टाइजमेंट किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पे प्रकाशक अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पाते हैं। उनके लिए तो एक ही माध्यम होता है अपनी किताबों को दिखाने का, प्रचार प्रसार करने का, पुस्तक मेला। और पुस्तक मेला करने में हमें जो है इसमें महारत हासिल है, तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम किसी तरह से जोड़ के एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्रोवाइड करें जहाँ पे कि पाठक और प्रकाशक को हम एक साथ मिला सकें, एक संवाद स्थापित कर सकें, और उसी में हम लगे हुए हैं। सर, ये इस समय जो है मोबाइल का युग है, ई बुक्स, ई नेटवर्क का युग है जी। आजकल मोबाइल के द्वारा ही लोग ई बुक डाउनलोड कर करके किताबें पढ़ रहे हैं। इसमें जो किताबें प्रकाशक आपके मेले तक लाएँ, क्या ई बुक जो पढ़ते हैं पाठक, उनके लिए कोई व्यवस्था इस मेले में? तो ई बुक्स, जो जहाँ तक ई बुक्स की बात है, आज की डेट में जितने प्रकाशक हैं, जो भी प्रिंटेड जो किताबें ला रहे हैं, उन सभी का अपना ई बुक्स का भी जो है मेले एक अलग स्टॉल लगने का है। बिल्कुल, जो प्रकाशक जो हमारे यहाँ जो किताबें लेके आ रहे हैं, उनकी खुद की भी ई बुक्स का है, तो उसमें एक कॉर्नर तो वो ई बुक्स के लिए भी वो रख ही रहे हैं, तो ई बुक्स के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था रहेगी प्रकाशकों के द्वारा। पाठक जो हैं आसानी से आपके पुस्तक मेले तक आ सके, उनके लिए क्या क्या, छात्रों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या नहीं? स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बिल्कुल मुफ्त प्रवेश रख रहे हैं। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको परिचय पत्र पे उनके लिए स्पेशल काउंटर रहता है, जिसपे वो टिकट फ्री में उनको टिकट दिया जाता है और वो प्रवेश कर लेंगे। स्कूली बच्चों के लिए हमने यूनिफॉर्म में जो ग्रुप्स में आते हैं उनको कम्प्लीटली फ्री रखा हुआ है। दिव्यांगों के लिए भी जो है हम लोगों ने एंट्री जो है फ्री रखी हुई है पुस्तक मेले में।
तो इस तरह से अभी जो है पुस्तक मेला जो लग रहा है इसमें ज़्यादातर पाठक आते हैं, नए नए आयोजन होते हैं वहाँ पर, कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस बार कुछ मुख्य आकर्षक जो कला के क्षेत्र से हो लोगों को? हाँ, तो जैसा मैंने बताया जो कार्यक्रम जो है, जो हमारे जो प्रोग्राम्स जो कोई सेलिब्रिटी वगैरह आएंगे या बिहार के ही कुछ रहे? बिहार के ही जितने नामचीन जो जो लेखन में या कला और साहित्य से जुड़े हुए जितने नामचीन लोग हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है कि वो इसमें आएँ, और हम लोग उनसे इस बार कुछ विशेष रूप से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डिफ़िकल्ट टाइम्स है इस इंडस्ट्री के लिए, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप आएँ, और प्रोत्साहन उससे जो है प्रकाशकों का भी बढ़ेगा, पाठक भी उससे जो है लाभान्वित होंगे। तो साफ तौर पे देख रहे थे कि संयोजक थे अमित झा जी, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि 3 साल के बाद पुस्तक मेले का आगाज़ हो रहा है, पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। ऐसे में पाठक जो हैं पुस्तक मेले तक आएँ, उनके लिए छात्रों को खास करके सरकारी स्कूल और कॉलेज के भी छात्र छात्राओं को विशेष सुविधा दी गई है। अब देखना होगा कि पटना का पुस्तक मेला 3 साल के बाद लगता है, पाठक आकर्षित होते हैं और इनको कौन कौन सी नई पुस्तकें और नए प्रकाशक के जो नए किताबें हैं उनको मिलेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।